नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉ अ ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद हॉर्जोंटल सरफेस इट रीचिज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ वन ट्वेंटी मीटर तो मैक्सिमम हाइट अपने को वन ट्वेंटी मीटर दी हुई है एंड रिटर्न टू द ग्राउंड अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम जो उसने हिट किया इट लूज लूजेज हाफ ऑफ इट्स कैनेटिक एनर्जी इमिजिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद हॉजोंटल सरफेस मैक्सिमम हाइट इट रीचेज आफ्टर द बाउंस इन मीटर्स विल बी और हमें बताना है मैक्सिमम हाइट उसका जो सेकेंड uh, बाउंस होएगा उसके बाद क्या होएगी सो नाउ दिस इज द स्नैरियो क्या आपकी गेंद को लेट्स ये अपना हॉर्जोनटल ग्राउंड है हमने 45 के एंगल पे ऐसे लॉन्च किया तो ये यह गेंद यहाँ पे फोर्टी के एंगल पे ये आपका थीटा 45 डिग्री है और लेट्स यू वन वेलासिटी से हमने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है ठीक है उसके बाद ये गेंद यहाँ पे आपकी टकराई टकराने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है एंगल की अपने को यहाँ कोविशन और रेस्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ है सो दिस इज़ नॉट अ कोलिजन क्वेश्चन राइट ये आपका यूट्यूब एलोसिटी से गई होगी ये एंगल जो है हमें दिया हुआ थर्टी डिग्री है और ये दिया है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी जो मान लो कान्टिक एनर्जी के ई वन है और यहाँ पे के ई टू है सो so हाफ एनर्जी यहाँ पे लूज हो गई और मैं एक और चीज़ दी हुई है कि मैक्सिमम हाइट जो उसने पहले राइज uh, की वो 120 मीटर हमें बताना है ये वाली जो h2 टू हाइट है ये कितनी होगी दिस दिस इज आर क्वेश्चन ठीक है और ये एडवांस 2018 का सवाल है राइट right. uh, आपने कोई दिया हुआ है कि जो हाइट एच वन है इस एच वन हाइट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे एच वन विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी ये आपकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है एच वन जो है यहाँ पर अपने को दिया है वन ट्वेंटी मीटर विल बी इक्वल टू ये आपका हो जाएगा यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर जो है फोर्ट साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव करेंगे इसको साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री डिवाइड बाय टू जी सो दिस एम्प्लाइज आपका यू वन स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी इसको आप लिख सकते हैं यू वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव होता है वन बाय रूट टू उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन बाय टू और ये हो गया आपका टू जी सो यू वन स्क्वायर इसको धले जाते हैं सो so ये हो गया आपका फोर जी मल्टीप्लाइड बाय वन ट्वेंटी इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे यू वन स्क्वायर को सो so आपकी यू वन स्क्वायर की वैल्यू हो गई ना अब हम जानना चाहते हैं ये वैल्यू कितनी होएगी ना अब हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ हो गई सो so इसका मतलब है हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वन विल बी इक्वल टू कानीटिक एनर्जी टू नाउ यहाँ पे के ई वन की वैल्यू लिखेंगे सो वी कैन राइट हाफ एम यू वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम यू टू स्क्वायर हाफ एक मिनट हाफ यहाँ पे एक और हाफ आएगा सो हाफ ऑफ हाफ एम यू वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम यू टू स्क्वायर तो हाफ एम कैंसिल कर सकते हैं सो वी कैन से आपका यू टू स्क्वायर है दैट विल भी इक्वल टू ये बन जाएगा आपका हाफ यू वन स्क्वायर और यू वन स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पता है सो so इसको आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ टू जी सॉरी फोर जी मल्टीप्लाइड बाय वन ट्वेंटी सो दैट मीन्स यू टू स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई टू जी मल्टीप्लाइड बाय वन ट्वेंटी ठीक है सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन वन लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर टू नाउ अब हमें बताना है ये मैक्सिमम हाइट जो आपकी सेकेंड बाउंस uh, के बाद हुआ है उसकी वैल्यू क्या आएगी सो अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला एच टू देट विल बी इक्वल टू यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा टू डिवाइडेड बाय टू जी सो यहाँ पे एच टू जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी यू टू स्क्वायर यहाँ से रख देते हैं ये आपका हो गया टू जी मल्टीप्लाइड बाय वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा जो है सेकेंड टाइम में थर्टी डिग्री है सो so ये हो जाएगा वन बाय टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका आ गया टू जी ना टू जी विल गेट कैंसल सो ये आपका एच टू है यह बना आपका वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टू का स्क्वायर यानी कि वन बाय फोर देट मीन्स दिस विल भी इकल टू थर्टी मीटर तो सेकेंड बाउंस में जो मैक्सिम हाइट अटेन करेगा तो देट विल भी इकल टू थर्टी मीटर एंड देट विल बी आर फाइनल आंसर